भाई सैमसंग फोल्ड 3 है, पूरी तरीके से खुल रहा नहीं है, बीच में पता नहीं अटक गया है। देखो हो जाएगा क्या ये? हो जाएगा ना, हमारे पास फोल्ड फ्लिप सारे फोन बनते हैं। ये देखिए फोल्ड 4 है, इसमें ये सेम प्रॉब्लम था, ये पूरा ऑन नहीं हो रहा था। इसका मैंने डिस्प्ले निकाल लिया हूँ, हिंज साफ करके इसको पूरा फिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का भी प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया है। फोल्ड फ्लिप 4 है, इसके अंदर फोन को बंद करने पे ना मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा था, डिस्प्ले चले जा रहा था। इसमें हमने ऊपर से स्ट्रिप लगाया है, अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, ओके हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम रहेगा वाईफाई का, स्पीकर का, ब्लूटूथ का, तो हमारे पास बन जाएगा, ये कंप्लीट रेडी हो गया है। ये मोबाइल पूरा खुल नहीं रहा था और बंद करने पे फोन स्विच ऑफ हो जा रहा था, फ्लिप को बंद करने पे फोन स्विच ऑफ हो रहा था, ये भी बन गया है। यहाँ पर ये फोल्ड 4 है, अंदर ब्लूटूथ का प्रॉब्लम था और वाईफाई का प्रॉब्लम था और पूरा फोन खुल नहीं रहा था। अभी देखिए पूरा फोन खुल रहा है, ठीक है। अब इसका डिस्प्ले फिट हो जाएगा, ये डिस्प्ले सामने रखा हुआ है। इसके अंदर हिंज पूरा ओपन नहीं हो रहा था, इसको पूरा हमने खोल दिया है। इसको भी पूरा प्रॉपर साफ करके इसके अंदर नया हिंज लगाएंगे। 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स में ग्रीन डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम अपडेट की वजह से आता है, तो आप अपने फोन को अपडेट मत कीजिए। हमारे पास इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह भी प्रीमियम फोन से चेंज करते हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। अपडेट मत कीजिए फोन को, फोन को अपडेट करने के बाद ऐसी ग्रीन डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है, व्हाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। एंड्रॉइड में भी आता है और आईफोन में भी आता है, ठीक है। तो आप फोन को अपडेट मत कीजिए, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो ऑटो अपडेट को ऑफ कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए, हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपका काम करके मिलेगा।